हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 131 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 130 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। सेक्शन 131 आईपीसी हमें बताता है एबिटिंग म्यूटनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। देखो, अगर आप एबिट करते हो या फिर किसी सोल्जर को सेड्यूस करते हो, किस लिए करना है ये? ताकि वो अपने देश के खिलाफ, मतलब अपने देश के खिलाफ जाए, सिंपल भाषा में अपने कंट्री के अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो ऐसा किन लोगों के साथ होगा? सोल्जर, सेलर या फिर एयरमैन, यानी कि जो लोग आर्मी में हैं, जो नेवी में हैं, जो एयरफोर्स में हैं, अगर आप उनको उनके देश के खिलाफ करते हो तो ऐसे में आपको क्या सजा मिलेगी ये एबिट करने पे या अटेम्प्ट करने पे? वो मतलब बेसिकली उकसाना। ठीक है, उकसाना, भड़काना अपनी कंट्री के खिलाफ उसको, आप मतलब जिसके लिए वो सोल्जर है, जिस भी कंट्री के लिए, उसको उसके खिलाफ आप भड़का रहे हो कि ये कंट्री ऐसी है, वैसी है, कुछ भी अगर आपने किया तो आप क्या क्या सजा मिलेगी, ये बताता है सेक्शन 131 आईपीसी। आइए पढ़ते हैं कि हूएवर एबिट्स द कमिटिंग ऑफ म्यूटनी बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस एनी सच ऑफिसर, सेलर, सोल्जर और एयरमैन फ्रॉम हिज एजिलेंस और हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी करने से उसको भड़काता है कि नहीं तुम ऐसे मत करो, ये कंट्री ऐसी है, वैसी है, ठीक है, ऐसे बोलता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसे में उसको क्या सजा मिलेगी? आजीवन कारावास भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो उसको भड़का रहा है, या फिर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर वो फाइन के लिए भी, और फाइन के लिए तो मतलब वो लाइबल होगा ही होगा, और इन दोनों में से कोई एक सजा हो सकती है, भले आजीवन कारावास हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या फिर 10 साल की कैद हो। तो ये बताता है हमें सेक्शन 131 आईपीसी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।